दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है। आज मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट। ये एक्चुअल में एक यूनिट है, एक चैप्टर नहीं कहा जाए, इसमें 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये 2-in-1 है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों में ये पढ़ना पड़ता है आपको। काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए खासकर। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन, हीट एंड टेम्परेचर ये फर्स्ट चैप्टर होगा, दूसरा थर्मल एक्सपेंशन नाम से होगा, तीसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लेटेंट हीट नाम का चैप्टर है, चौथा ट्रांसमिशन ऑफ हीट है, और पांचवा चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो दोस्तों, ये 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं इसमें थर्मोडायनेमिक्स में, सेकेंड पार्ट ऑफ 11th फिजिक्स या डिप्लोमा इंजीनियरिंग में भी ये सारे के सारे पढ़ने पड़ते हैं। तो दोस्तों, शुरू कर रहा हूँ मैं पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन हीट एंड टेम्परेचर। सबसे पहला सवाल है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो दोस्तों, हम लोग फिजिक्स वाले बोलते हैं फिजिक्स का ब्रांच, और केमिस्ट्री वाले बोलते हैं केमिस्ट्री का ब्रांच। 2-in-1 है, दोनों जगह पढ़ना है। तो फिजिक्स वाले क्या बोलते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स हीट एंड इट्स इफेक्ट, हीट एंड इट्स इफेक्ट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स हीट एंड इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। ये फिजिक्स का वो शाखा है, वो ब्रांच है जिसमें हीट और उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो आप, हीट क्या है, सवाल उठता है व्हाट इज हीट, हीट क्या है दोस्तों। तो हीट के बारे में कहा जाता है कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हीट क्या है, है ना। हीट के बिना खाना बनेगा ही नहीं आपका, तो यूज़ भी जिंदगी भर करना है। तो हीट है क्या, फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक रूप है और एक ऐसा फॉर्म है जिसको हम एक से दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते वो हीट नहीं कहलाता है। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, जिसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको क्यू से या एच से डिनोट करेंगे, तो हमको लगता है आसान एच ही है आप लोगों को, केमिस्ट्री वाले क्यू लिखा करेंगे आपको, हम लोग एच लिख लेके चलेंगे। हीट फिजिक्स वाले आसान खोजते हैं हम लोग, तो एच से हीट, फर्स्ट लेटर हामिद सर भी हो जाएगा इससे, तो याद रखना आसान हो जाएगा। हीट को डिनोट करेंगे एच से, कैपिटल एच। तो दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट लिखा, जूल्स एक्सपेरिमेंट। जूल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट से वर्क और हीट के बीच रिलेशन बताया। उनका कहना था जितना वर्क होगा उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, कम वर्क करेंगे कम हीट प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा वर्क करेंगे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। आप हाथ को रगड़िए, चलिए एक्सपेरिमेंट कीजिए, चलिए सब लोग कीजिए, जल्दी फटाफट कीजिए, रगड़िए हाथ को, देखिए कुछ हो रहा है, रगड़ो ना कसके, इसमें भी काम चोर कर, हाथ रगड़ो हाथ को, क्या हो रहा, कुछ हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप रगड़ने में क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वर्क कर रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यही जूल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट से दिखाया था कि जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। इसलिए तो जूल, ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, वर्क का जूल बोलते हैं, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल बोलते हैं। जूल साहब ने क्या बताया, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, और कॉन्स्टेंट यहाँ जे लाते हैं, तो डब्ल्यू बराबर जे एच, जे का नाम है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये मैकेनिकल वर्क हो रहा है और उसे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसका नाम है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। एसआई सिस्टम में जे का वैल्यू 1 पाया गया है, एसआई सिस्टम में जे का वैल्यू कितना पाया गया है, 1, तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, एच के होगा, वर्क डन बराबर हीट के, वर्क डन इक्वल हीट के। एसआई यूनिट इसका क्या होगा, जूल साहब ने बताया, इसलिए इसका नाम जूल साहब के सम्मान में, जूल कहते हैं। डायमेंशन आपको याद होगा, वर्क, एनर्जी, हीट, टर्क, चारों का एक ही डायमेंशन, ML² 3 inverse 2। आप लोग भी खाली जगह छोड़ दिए होंगे, भरेंगे नहीं, फिल अप द ब्लैंक्स, डायमेंशन ऑफ हीट डैश डैश डैश, सादिया छोड़ दिए, घर पे सुना देना है। नोट, नोट दैट इज काफी इंपॉर्टेंट नोट,
नोट में क्या है, हीट क्या है, स्केलर या वेक्टर। हीट दोस्तों क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। हीट इज ए स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि है। हीट क्या अंतिम राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क है, वर्क स्केलर, हीट स्केलर, पावर स्केलर, एनर्जी स्केलर, तो हीट भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए हीट का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, हीट से क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या इफेक्ट होते हैं। एक तो सबसे पहला टेम्परेचर का चेंज होना, हीट देंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट निकाल लेंगे टेम्परेचर घट जाएगा, पहला है चेंज इन टेम्परेचर। दूसरा चेंज इन स्टेट, सॉलिड को गर्म कीजिए लिक्विड बन जाता है और लिक्विड को गर्म कीजिए गैस बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए आइस, आइस क्या है सॉलिड, हीट कीजिए बन जाता है वाटर, वाटर क्या है लिक्विड, उस वाटर को गर्म कीजिए क्या बन जाता है गैस, तो सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। स्टेट चेंज होता है, अवस्था परिवर्तन होता है। और उल्टा कीजिए ना, गैस है उससे हीट निकाल लीजिए बन जाएगा लिक्विड, लिक्विड से हीट निकाल लीजिए, निकालने का मतलब उसको ठंडा कीजिए, क्या कीजिए इसको ठंडा कीजिए, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा सदाब, कहाँ खोया हुआ। हीट देने से क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, हीट निकालने से उल्टा, गैस लिक्विड में, लिक्विड फिर सॉलिड में। सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास आइस है, आइस को गर्म करते हैं वाटर बन जाता है, वाटर को गर्म करते हैं वेपर बन जाता है, वेपर को ठंडा कीजिए वाटर बन जाएगा, वाटर को ठंडा कीजिए आइस बन जाएगा, मतलब स्टेट चेंज हो रहा है। मॉलिक्यूल गर्म करने से मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ जाती है, आपको पता है सॉलिड में मॉलिक्यूल सबसे नज़दीक होते हैं, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बहुत कम होती है, गर्म किया मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ी तो सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और गर्म किया और डिस्टेंस बढ़ गया, काफ़ी दूर दूर चला गया, उसी का नाम हो गया गैस वेपर। इस तरह से गर्म करने से क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। इफेक्ट ऑफ हीट में एक बड़ा इफेक्ट है जिससे स्टेट चेंज करते हैं हम लोग। अब थर्मल एक्सपेंशन, आपने सुना होगा रेल के पटरियों के बीच खाली जगह छोड़ी जाती है, कारण यही है थर्मल एक्सपेंशन। जब ट्रेन चलती है पटरियाँ काफ़ी गर्म हो जाती है, फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होता है काफ़ी, जब ट्रेन गुजर जाए तब पट्टी छू के देखना काफ़ी आपको हॉट लगेगा, उससे क्या होती है वो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करने से उसकी लंबाई क्या होती है बढ़ जाती है, एरिया बढ़ जाता है, वॉल्यूम भी बढ़ जाती है, इसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। इस पर मैंने दूसरा चैप्टर ही लिखा है आपको, दूसरा चैप्टर क्या है थर्मल एक्सपेंशन, वो पढ़ाया जाएगा। और भी बहुत सारे इसके इफेक्ट है, खाना भी उसी कारण हीट के कारण ही आपका बन पा रहा है। अब आइए आप टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है, ताप क्या है, कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडी है इसका पता कैसे लगाएंगे, टेम्परेचर से लगाएंगे, किसे लगाएंगे टेम्परेचर से। टेम्परेचर को कहते हैं, टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस, कौन वस्तु ज़्यादा गर्म है कौन कम गर्म है ये किससे पता चलता है, टेम्परेचर से है ना। कोल्डनेस क्या हुआ, जो कम गर्म है तो वो क्या हो गया, कोल्डनेस हो गया, ठंडा हो गया है ना, तो सिर्फ इससे ही हॉटनेस मतलब ज़्यादा हॉट है या कम हॉट है, ठंडा नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे उसको, कम हॉट है, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस, ऐसे लोग बोलने के लिए क्या बोलता, हॉटनेस या कोल्डनेस। हिंदी में लेकिन सिर्फ एक ही बोलते हैं, ताप उष्णता की कोटि है, शुद्ध हिंदी, ताप उष्णता की कोटि है, मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस है ये। तो कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म है या कम गर्म है इसका पता कैसे चलेगा, टेम्परेचर से पता चलेगा। हीट देने से टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, हीट निकालने से टेम्परेचर घट जाता है। हीट इज, टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस। टेम्परेचर इज, खड़ा हो जाइए जीशान साहब, क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ फीवर है, टेम्परेचर बढ़ गया था बॉडी का, बुखार आ गया, मतलब क्या हुआ टेम्परेचर बढ़ गया। अभी कोरोना में है ना, लोग तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नाप रहा था बॉडी का, कहीं बुखार तो नहीं है, फीवर तो नहीं, कोरोना तो नहीं है,
उस टेम्परेचर नापने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? थर्मामीटर। थर्मामीटर हीट टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई। अब हीट को किसे नापते हैं? कैलोरी मीटर। हीट इज मेजर्ड बाई कैलोरी मीटर एंड टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई थर्मामीटर। टेम्परेचर भी स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर। ये भी क्या है? स्केलर है। ये भी स्केलर है। टेम्परेचर क्या है? स्केलर। बैठ जाइए, तबीयत खराब है आपका। टेम्परेचर इज स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर याद होगा आप लोगों को? डायमेंशन के केल्विन है तो के फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है। ये टेम्परेचर क्या था? सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज। एसआई सिस्टम में सेवन फंडामेंटल, ये भी भूल जाए तो बचेगा क्या यार? लेंथ का एल, मास का एम, टाइम का टी, टेम्परेचर का के और थीटा। के और थीटा। इलेक्ट्रिक करंट का ए आई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सी डी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। तो टेम्परेचर क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी। फिजिक्स में टेम्परेचर को क्या माना गया है? फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ये नोट में कुछ पॉइंट्स है समझने वाला। ये एक तरह से डिफरेंस भी बता रहा है हीट और टेम्परेचर के बीच। लोग कुछ लोग हीट और टेम्परेचर दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं। बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो हीट अलग चीज़ है, टेम्परेचर अलग है। एक तो हीट इज कॉज वाइल टेम्परेचर इज इट्स इफेक्ट। हीट कारण होता है और ताप उसका प्रभाव होता है। हीट इज कॉज, कॉज मतलब कारण, और टेम्परेचर क्या? इफेक्ट। मतलब हीट देंगे तब ना टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कारण कौन बना? हीट। इफेक्ट किस रूप में है? हीट देने से हीट का जो इफेक्ट है वो किस फॉर्म में दिखा? टेम्परेचर के फॉर्म में दिखा। तो कॉज क्या हुआ? हीट। हीट इज कॉज एंड टेम्परेचर इज इफेक्ट। एक डिफरेंस क्या? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस। नहीं कह सकते हैं हीट को आप यूनिट इसका क्या देख रहे हैं? जूल। और टेम्परेचर का सीधा क्या देखें? केल्विन। हीट क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। डायमेंशन देखिए, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, एम भी आ रहा है, एल भी आ रहा है, टी आ रहा है। या क्यों? टेम्परेचर क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। ना इसमें एम आ रहा, ना एल है, ना टी है, सीधे क्या है? के है सिर्फ। एक डिफरेंस क्या? हीट इज कॉज वाइल टेम्परेचर इज इफेक्ट। अगला डिफरेंस, हीट इज मेजर्ड बाई कैलोरी मीटर। हीट को किसे नापते हैं? कैलोरी मीटर से। एंड टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई थर्मामीटर। थर्मामीटर। हीट मे बी सेम वाइल टेम्परेचर इज डिफरेंट। क्या ये बात हजम हुई आप लोगों को? हीट मे बी सेम वाइल टेम्परेचर इज डिफरेंट। हीट सेम है फिर भी टेम्परेचर अलग है, क्या ये पॉसिबल है? कैसे? कौन सा बात हो गया? सवाल क्या है कि हीट क्या हो? सेम हो, सेम हो, हीट सेम हो। दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का हीट सेम है लेकिन टेम्परेचर अलग है, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है ना। जैसे चीज को जैसे यहाँ जलाइए और ठंडे इलाका में जलाइए, ठंडे इलाका में नहीं जलाना। यही इंडिया करना था, और बिहार में पूर्णिया में वो भी एनएससी क्लास में करना है। अरे एक लीटर आपके पास मिल्क हो और 10 लीटर मिल्क हो, दोनों में सेम हीट दें, दोनों में सेम हीट दें, क्या टेम्परेचर दोनों का सेम होगा? अरे तुम एक लीटर मिल्क ले लो, आधा लीटर मिल्क ले लो और 10 लीटर ले लो, दोनों में सेम हीट दो, एक ही गैस पे दोनों को 5 मिनट गर्म करो, तो क्या दोनों का टेम्परेचर सेम होगा? हीट तो सेम दिया आपने लेकिन टेम्परेचर क्या हो गया? अलग अलग हो गया। देखिएगा, ये आधा केजी वाला खोल जाएगा या उसका टेम्परेचर काफ़ी हो जाएगा, और 10 केजी वाले में देखिए कुछ नहीं हो रहा है। होता ही नहीं होता ऐसे जी। हीट तो सेम है और टेम्परेचर क्या है? अलग अलग। आया समझ में? सवाल क्या था? कुछ और था, आप कुछ और सोच रहे थे। अगला डिफरेंस देखिए, टेम्परेचर मे बी सेम वाइल हीट इज डिफरेंट। क्या ये हजम हुआ? जस्ट उल्टा कह रहा है यहाँ पे। टेम्परेचर मे बी सेम, टेम्परेचर सेम हो सकता है, मे बी सेम वाइल हीट इज डिफरेंट। समझ जाइए इसको। वही सेम चीज़। क्या समझ? बताइए।
सर वही आधा किलो वाले को कम गर्म करेंगे या 10 किलो वाले को ज्यादा गर्म करेंगे? दोनों का टेम्परेचर सेम आएगा ना फिर? गर्म कम गर्म ज्यादा गर्म मतलब हीट कम नहीं है, नहीं आप इसको ऐसा समझिए कि जैसे आधा केजी दूध है उसको बॉयल करना है और फिर 10 केजी मिल्क है उसको भी बॉयल करना है, दोनों का टेम्परेचर सेम करना है। या वाटर ही ले लीजिए, 1 लीटर वाटर है और आपको 10 लीटर वाटर है, दोनों का टेम्परेचर 100 करना है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का, तो आप क्या 1 लीटर में कम हीट लगेगा और 10 लीटर में ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर दोनों का कितना कर रहे हैं 100 पे ले जा रहे हैं, दोनों का टेम्परेचर कहाँ ले जा रहे हैं 100 पे। अब दोस्तों आप ये बताइए आपको आग गर्म क्यों लगती है या बर्फ ठंडी क्यों लगती है, क्यों लगती है? कारण ये है ना, आपको आग गर्म क्यों लगती है? बोलो आग गर्म होवे करता है क्यों लगती है, कौन सा सवाल हो गया ये? क्या आइस ठंडा, आइस को छूने से ठंडा क्यों लगता है? बड़ा मजेदार है, बोलो सोच के बोलो। याद रखो जैसे अभी ठंडे का दिन है, हम लोगों को ज़्यादा क्यों लग रहा है? उसे क्या हुआ, क्लाइमेट से क्या हो गया, टेम्परेचर घट गया, उससे क्या हुआ? तो क्लाइमेट का घट गया, आपको क्या हुआ, आपको क्या ठंडा लग रहा है? आपका बॉडी टेम्परेचर तो वही है जो गर्मी में होता है, वही सर्दी में होता है, बॉडी टेम्परेचर कुछ तो चेंज कर रहा है आपका। वो तो एटमॉस्फेयर का ना वाजी, तो हम बॉडी की बात हम कर रहे हैं। देखो इसको सीधे याद रखना, आग गर्म क्यों आपको अनुभव होता है, क्यों होती है आग गर्म क्यों होती है, या आइस ठंडा क्यों लगता है, इसके पीछे एक ही रीज़न है। याद रखना कि जिस चीज़ से हीट निकल कर हमारे बॉडी में आए वह चीज़ आपको गर्म लगेगा। जिस चीज़ से हीट निकल कर कहाँ आता है, हमारे बॉडी में आता है। आग को छूने से क्या हो रहा है, आग से हीट निकल के हमारे बॉडी में आता है, इसलिए आग गर्म लगता है। समझ रहे हो, आग के नज़दीक जाने से, आग के छूने से क्या हो रहा है, वहाँ से हीट निकल के कहाँ आ रहा है, हमारे बॉडी में आ रहा है। जब बाहर से हीट जिस किसी ऑब्जेक्ट से इसको छूने से या उसके पास जाने से हीट हमारे बॉडी में आएगा, हमारे बॉडी में हीट आएगा, तब हमको क्या लगेगा, वह चीज़ गर्म लगेगा। और किसी वस्तु को छुआ, जैसे आइस को छुआ आपने, आइस जैसे आप छूना शुरू कर देते हैं आपके बॉडी से हीट निकल के किस में जा रहा है? इतना मज़ेदार टॉपिक बताया, तो क्या कर रहा हो, पेन से खेल रहा है वो। आइस को जैसे ही हम छूते हैं तो हमारे बॉडी से हीट निकल के कहाँ जाने लगता है, आइस में जाने लगता है, इसलिए आइस क्या लगता है, ठंडा लगता है। अभी जाड़े के दिनों में हम लोगों को ठंडा क्यों लगता है, तो कारण क्या है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम हो जाता है, जिससे हमारे बॉडी से हीट निकल के कहाँ जाता है, बाहर जाता है। अब ये सूटर जैकेट से क्या, कैसे आपको फिर गर्म लगने लगता है, क्या करता है, क्या सूटर जैकेट हीट प्रोड्यूस करता है? बोलता सारा बोलता है हाँ प्रोड्यूस करता है। क्या स्वेटर जैकेट हीट प्रोड्यूस करता है, क्या कहेंगे, क्या कहता है, ये एब्जॉर्ब नहीं रोक देता है, ये हमारे बॉडी से हीट को बाहर जाने से रोक देता है, ये स्वेटर जैकेट हीट नहीं प्रोड्यूस करता है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी से हीट को बाहर जाने से रोक, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसलिए स्वेटर जैकेट पहनने से आपको क्या लगता है, गर्म लगता है ना, आपके बॉडी से हीट जाने से रुक गया तो आपको गर्म लगता है। समझ रहे हो, गर्मी के दिनों में गर्मी क्या लगता है, कारण एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से हाई हो जाता है। अब एटमॉस्फेयर से चारों तरफ से हीट आपके बॉडी में घुसना चाहता है तो क्या लगेगा आपको, गर्मी लगेगा, आप बेचैन हो जाएंगे, आप गर्मी का दिन है, पंखा चलाना पड़ेगा, एसी लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो कोई चीज़ गर्म क्यों लग रही, ठंडी क्यों लग रही, सब क्या है, हीट के फ्लो के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर हमारे बॉडी से हीट निकल के किसी ऑब्जेक्ट में जाए तो वो ऑब्जेक्ट क्या लगेगा, हमारे बॉडी से निकल के किसी ऑब्जेक्ट में जाए वो ऑब्जेक्ट ठंडी लगेगी, और अगर किसी ऑब्जेक्ट से हीट निकल के हमारे बॉडी में आए, सीधा सीधा सा बात है ना, समझ गए, कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? एक होमवर्क है, होमवर्क मतलब होमवर्क बनना चाहिए, दिखना चाहिए, क्या है, राइट डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, मैंने कितने सारे डिफरेंस बताए हैं आपको,
क्या इनमें से आप लिख नहीं सकते हैं चार पांच? तो होमवर्क कब बनाते हैं आप लोग? तो दिखना चाहिए होमवर्क, ठीक है ना? तो दिखना भी तो चाहिए ना, लाके दिखाना भी ना। कल घर में बना के घर में रख लीजिए, होमवर्क का यही मतलब होता है। घर में बनाइए, घर में रखिए, बनाइए, ठीक है ना? धन्यवाद।